मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वृक्षारोपण कर अपना जन्मदिन मनाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसी भी जनप्रतिनिधि को एक राजनेता होने के साथ उसको सामाजिक होना चाहिए और जन्मदिन जैसे अवसरों का उपयोग जनता की भलाई के लिए होना चाहिए। इसलिए मन में आया कि क्यों ना पेड़ लगाकर पर्यावरण को बचाते हुए जन्मदिन मनाया जाए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपना जन्मदिन वृक्षारोपण कर मनाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ऐसे अवसरों पर सोचना चाहिए कि किस तरह जनता का कल्याण होगा। पेड़ लगाने से जन्मदिन तो सार्थक हो ही रहा है, इसके साथ ही पर्यावरण भी संरक्षित हो रहा है। वृक्षारोपण से पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, जिससे आगे आने वाली पीढ़ी का भविष्य बनेगा। शिवराज ने कहा कि उन्होंने एक सामाजिक अभियान चलाया है, जिसमें वे रोज एक पेड़ लगाएंगे। उन्होंने सभी से अपील की है कि वे अपने शुभ अवसरों पर पेड़ लगाकर धरती माँ को बचाने का कार्य करें। अक्सर देखा गया है कि कई राजनेता अपने जन्मदिन पर बड़े बड़े केक विदेश से मंगवा कर काटते हैं, कई अवसरों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित कर धन और समय बर्बाद करते हैं। ऐसे समय में मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर पर्यावरण बचाने और पेड़ लगाने की ये मुहिम वाकई काबिले तारीफ है। मित्रों, मुख्यमंत्री या नेतृत्वकर्ता केवल राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं होना चाहिए, उसको सामाजिक परिवर्तन का वाहक भी बनना चाहिए, सोशल रिफॉर्मर भी होना चाहिए। और इसलिए मन में ये भाव आया कि हर अवसर ऐसा कैसे बनाया जा सकता है जिसका उपयोग जनता के लिए हो, लोगों के लिए हो। और तब मन में ये भाव आया कि जन्मदिन पेड़ लगाकर मनाना चाहिए। जन्मदिन तो मनेगा ही, लेकिन इस माध्यम से जो पेड़ लगेंगे वो पर्यावरण को बेहतर बनाएंगे। और पर्यावरण बेहतर बनाना यानी पृथ्वी पे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित करना है। इसका इम्पैक्ट पर्यावरण बचाने का केवल हमारे यहाँ नहीं होगा, पूरी दुनिया को बचाने के लिए होगा। और इसलिए एक सामाजिक अभियान मैंने हाथ में लिया है कि मैं रोज एक पेड़ लगाऊंगा। मुझे आज अत्यंत प्रसन्नता है कि मैंने पार्टी अध्यक्ष कार्यकर्ताओं के साथ पेड़ लगाए, परिवार के साथ मेरे पेड़ लगाए, यहाँ पत्रकार मित्रों के साथ मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज मैंने पेड़ लगाए, अभी बल्लभ भवन अपने शासकीय प्रशासकीय कर्मचारी अधिकारियों के साथ पेड़ लगाऊंगा, विधानसभा में भी पेड़ लगाऊंगा। एक सामाजिक अभियान है और इससे हजारों लोग अभी तक जो मेरे पास जानकारी है जुड़े हैं। और मैं सबको ये अपील और आह्वान करता हूं कि ऐसे जीवन के शुभ अवसर पर हम खुशियां बांटें, धरती बचाने के लिए पेड़ लगाएं। जन्मदिन, विवाह की वर्षगांठ, यहाँ तक कि माता पिताजी अगर नहीं हैं तो उनकी स्मृति में हम ये पवित्र कार्य कर सकते हैं। ये पृथ्वी को बचाने का काम है। मेरे मन में ये आया है कि ये अभियान तो लगातार चलेगा, मैं पेड़ लगाने निकल पड़ा हूँ, आप भी निकल पड़े ताकि धरती का और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य हम बचा सकें। नशा मुक्ति अभियान वो भी चलाने का भाव मन में है। महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ, ये एक और प्रमुख काम है जो मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते करना चाहता हूँ। लेकिन पर्यावरण का मतलब पेड़ लगाना भी, जल बचाना भी, नदियाँ बचाना भी। और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता के सहयोग से ये पवित्र कार्य हम कर पाएंगे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।